पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सामने कांग्रेस के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। गरीबों को राशन वितरण में सब भूल गए कि ये कोरोना संक्रमण काल है। इसके बाद बीजेपी उपाध्यक्ष और विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, दिग्विजय सिंह मौलाना साद और जमातियों का सपना पूरा करने में लगे हैं। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर बैरागढ़ में कांग्रेस ने गरीबों को राशन वितरण का कार्यक्रम रखा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम में सब कुछ भगवान भरोसे था। मुफ्त का राशन लेने आए लोग और राशन देने वाले कांग्रेसी ये भूल गए कि यह कोरोना का संक्रमण काल है। अफरा तफरी के बीच राशन वितरण के समय लोग धक्का मुक्की करते नजर आए। आज 27 मई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आज पुण्यतिथि है और कांग्रेस पार्टी सदैव गरीबों के बीच में, मजदूरों के बीच में काम करती आई है। माननीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का भी निर्देश है कि इस कोरोना लॉकडाउन के अंतर्गत हमें विशेष तौर पर गरीबों के लिए राहत पहुंचानी चाहिए। हम आभारी हैं माननीय श्री कमलनाथ जी के, जिनके सौजन्य से और जिनके निर्देशन में गोविंद गोयल जी, पीसी शर्मा जी और हम लोग ने आज यहाँ सामान वितरण किया है। उसमें कुछ लोग छूट गए, उनको भी हम लोग पूर्ति करेंगे। हम आज इस अवसर पर लोगों से यही अपील करते हैं कि मुक्त हस्त से दान कीजिए और सरकार से ये उम्मीद करते हैं, केंद्र राज्य सरकार से, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लोगों के खाते में 10,000 रुपये जमा कराए गए हैं, उसी प्रकार इस देश के गरीबों के खातों में, जैसा कि राहुल गांधी जी ने मांग की है कि हर महीने 7,500 रुपये हर खाते में जमा कराएं, ताकि वे अपने परिवार का पालन पोषण इस समय कर सकें जब लोगों को न तो मजदूरी मिल रही है, न काम मिल रहा है और जिन्हें आज उनके जीवन का संकट पैदा हो गया है। संत हिरदाराम नगर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह मौलाना साद और जमातियों का सपना पूरा कर रहे हैं, जो कोरोना को जिहाद समझते हैं। विधायक शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह काजी कैंप में ही राशन बांटे तो अच्छा होगा। हिंदू बस्तियां, विशेषकर जो क्षेत्र कोरोना संक्रमण की चपेट में नहीं है, वहां जाकर इस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाना, इसके पीछे जमातियों वाली साजिश प्रतीत होती है। दिग्विजय सिंह जी ने जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई और गरीबों को बुलाकर उनको अपमानित किया गया, ना तो उनको पर्याप्त अनाज दिया गया, ना कोई राशन की व्यवस्था की गई, बल्कि धक्का मुक्की और संक्रमण रोग को जन जन तक पहुंचाने का काम जो कभी मौलाना जमाती साद ने किया था, उसका जो है बी पार्ट के रूप में दिग्विजय सिंह ने उन जमातियों की बची खुची कसर को पूरा करने के लिए शायद संकल्प लिया है। इसलिए दिग्विजय सिंह जी ने इस तरह भीड़ को आमंत्रित किया कि जैसे मानकर चलो वो अरबों का सामान यहाँ पर बांट रहे हो, 1 किलो गरीब को चावल तो दे नहीं पाए, पर संक्रमण रोग से जरूर गरीब को जो है को जोड़ दिया है। इसलिए दिग्विजय सिंह का जो चरित्र है वो वर्तमान में ये देखने को मिल रहा है कि जो जमातियों को, जिनको भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार ने या उत्तर प्रदेश सरकार ने या देश की सरकार ने जमातियों जिनने कोरोना को लोगों तक पहुंचाने में एक तरह से भूमिका अदा की, उनके खिलाफ कार्रवाई करके जेल भेज दी है, तो ये सेकेंड जमातियों के रूप में दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस आ गए हैं, जो गरीबों को आंदोलित कर रहे हैं, बहला रहे हैं, फुतला रहे हैं और बांटने के नाम पर इकट्ठा करके उन्हें संक्रमण रोग से एक दूसरे को ग्रसित करा रहे हैं। ऐसा महापाप दिग्विजय सिंह जी राजनीति, छोटी राजनीति के लिए ना करें। मुझे मालूम है कि आपको कितना प्रेम है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।